My name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. आज जो वीडियो है इसमें इंग्लिश में अपन नाउन को कवर करेंगे. मुझे पता है आप लोगों ने नाउन पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं से अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन आज जिस तरह से मैं नाउन को पढ़ाऊंगा आपको, जिस तरह से नाउन को समझाऊंगा वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ठीक है, आप कहीं ना कहीं किसी टाइम पर अगर नाउन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही होगी तो आज की इस वीडियो में आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक, एकदम सिंपलेस्ट वे में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे. मात्र 10-15 मिनट का टॉपिक रहेगा, इसमें आपको पूरी नाउन कवर हो जाएगी और नाउन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है सारी ही की सारी कवर हो जाएगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाउन को. नाउन, अब नाउन क्या है, उन्होंने चार पार्ट में बांट रखा है. तो चार पार्ट में नाउन के एक एक बाई एक एक चीज को देखेंगे कि कहाँ पे किस चीज को देखना है, कहाँ पे किस चीज को देखना है, इसे इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम इसमें इसकी डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके टाइप्स. ठीक है, टाइप्स कितने टाइप्स को देना हो, फिर उसके बाद देखेंगे यूज. अब नाउन के डेफिनेशन देंगे, टाइप के यूज को देखेंगे ना, कहाँ पे इसका यूज होता है, तभी तो उसको यूज कर पाएंगे, तभी तो उसको पहचान पाएंगे. और लास्ट में देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन, कैसे इसको पहचानते हैं. इन चारों चीजों को आज अपनी वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी है और आराम से सीखेंगे. और ये इतनी से ही नाउन है, इतना इससे ज्यादा बाहर नाउन नहीं है. ठीक, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. डेफिनेशन से आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे कि जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीजें, इन सबको नाउन बोलते हैं. हाँ, इन सब चीज़ों को नाउन बोलते हैं. लेकिन मैं सिंपल सी एक चीज़ बताऊंगा, वो भी नाउन है, वो भी उसकी डेफिनेशन है. वो ये है कि आप जिन भी चीज़ों को आप देख सकते हो ना अपनी आंखों से, अपनी आंखों से जिन चीज़ों को देख सकते हो, अपने हाथ से जिसको छू सकते हो, वह सब चीज़ें नाउन है. ये इसकी डेफिनेशन है. जिन जिन चीज़ों को आप अपने हाथों से छू सकते हो, जैसे प्लेस छू सकते हो, मंदिर को, मस्जिद को, घर को, सबको छू सकते हो ना, ये नाउन हो जाएगा. फिर पर्सन, व्यक्तियों को छू सकते हो, अपने भाई बहन दोस्त को छू सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना. एनिमल्स, एनिमल्स को छू सकते हो, वो भी नाउन हो जाएगा. लास्ट में थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है. आप थिंग्स में कौन सी थिंग्स, है ना, थिंग्स तो लिखते हैं, थिंग्स तो बहुत सारी चीज़ें होती है थिंग्स में. अब थिंग्स में नाउन होती है. अब ये थिंग्स को अपन बांट देंगे. ये जो टाइम लिखा ना मैंने, ये थिंग्स ही है ना. अब थिंग्स को दो चीज़ों में बांट देते हैं अपन. किन किन में, एक तो बोलते हैं फिजिकल थिंग्स और एक दूसरा देख लेते हैं नॉन फिजिकल थिंग्स. ये सब चीज़ें आप जानते हो नाउन होती है, लेकिन थिंग्स को अपन बांट देते हैं. दो चीज़ की, दो तरह की थिंग्स होती है, वो भी नाउन होती है. अब मैंने लिखा है यहाँ पर फिजिकल थिंग्स. फिजिकल थिंग्स कौन सी थिंग्स होती है, सिंपल से एक ट्रिक बताऊंगा आपको मैं. बॉडी, फिजिकल चीज़ें, फिजिकल थिंग्स वो थिंग्स हो जाएगी जिनको अपनी बॉडी टच कर पाए, अपनी बॉडी टच कर पाए, अपना हाथ टच कर पाए उसको, वो किस में चल जाएगा, फिजिकल थिंग, जिसको भी अपन टच कर, जैसे कोई भी चीज़, जैसे ड्राफ्ट रजिस्टर हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, बाइक हो गई, कार हो गया, सब चीज़ जिनको अपना हाथ टच कर पाए वो चल जाएगा फिजिकल थिंग्स में. जिसको भी अपन टच कर पाए, जिसको भी एक्स वाई जेड जिसको आप टच कर सकते हो ना, अपने हाथ से छू सकते हो, वो सब चीज़ चल जाएगी फिजिकल थिंग्स में. और कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन में कहीं लिखी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कि ये नाम है या नहीं है, उसको देख लो, अगर इसको अपन टच कर सकते हैं क्या, टच कर सकते हैं क्या, अगर टच कर सकते हैं तो वो फिजिकल थिंग्स के अकॉर्डिंग नाम हो जाएगी. ठीक है, अगला देखते हैं नॉन फिजिकल. अब नॉन फिजिकल में क्या है, अपन बॉडी से टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी न किसी तरह टच कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि फिजिकल, पहले मैं नाउन में बता देता हूँ सुनने की, नाउन क्या होती है, जिनको अपन देख सकते हैं, है ना. तो फिजिकल थिंग्स को भी देख पाते हैं अपन, नॉन फिजिकल थिंग्स को भी देख पाते हैं. ठीक है, नॉन फिजिकल को भी देख पाते हैं. तो फिजिकल में तो अपन बॉडी ट्रिक ले ली कि बॉडी, अपनी बॉडी जिसको टच कर पाए तो फिजिकल, और नॉन फिजिकल लेकिन वो देख पा रहे हैं लेकिन आप उसको छू नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो छू पाएंगे, उसको छूएंगे माइंड से. किससे, माइंड से, जिसको अपन हाथ से हो जाएगा फिजिकल थिंग्स, जिसको अपन माइंड से हो जाएगी नॉन फिजिकल थिंग्स.
और दोनों ही नाउन है। एक को चूज सकते हैं नाउन है, और नॉन फिजिकल थिंग्स में इसको मैं थोड़े डिवाइड कर देता हूँ कुछ पार्ट्स में। पहले लेते हैं मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज इनको अपन हाथ से चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते ना, किसी के प्यार को हाथ से चुन सकते हैं, किसी के गुस्से को हाथ से चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते ना, लेकिन ये क्या होती है, नाउन होती है। क्या होती है, नाउन होती है। किसी का गुस्सा नाउन होता है, किसी की फीलिंग्स नाउन होती है, किसी का प्यार नाउन होता है। तो जिन चीज़ों को अपन हाथ से नहीं चुन सकते लेकिन माइंड से चुन सकते हैं ना, किसी को प्यार को अपन दिमाग में चुन सकते हैं, किसी गुस्से को अपन दिमाग में चढ़ जाता है गुस्सा तो उसको चुन सकते हैं, यानी कि दिमाग को छू रहा है वो। तो नॉन फिजिकल थिंग्स माइंड को छूती है और फिजिकल थिंग्स बॉडी को छूती है, और ये सब चीज़ें क्या है, नाउन होती है। ठीक है, जो माइंड को छू ले वो भी नाउन, जो बॉडी को छू ले वो भी नाउन। अब माइंड में अपने देखो मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज में क्या है, ले लिया अपने लव एक एग्जांपल ले लिया, अपने माइंड को छूता है। इमोशंस ले लेते हैं, देखो अपने माइंड को छूते हैं, एंगर ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, मतलब सिंपल सा बोला जो माइंड को छूते हैं वो नाउन हो जाती है। एक और ले लेते हैं, दूसरा है स्टेट। अब स्टेट्स में कौन सा हो जाएगा, कोई अवस्था है, कोई अवस्था, जैसे कोई गरीब है वो उसकी अवस्था है, गरीबी क्या है एक अवस्था है, अमीरी क्या है एक अवस्था है, वो उनको अपन अपने हाथ टच नहीं कर पा रहे गरीबी अमीरी को, लेकिन अपना माइंड टच कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपना माइंड में देख पा रहे हैं कि यहाँ ये गरीब है, यानी कि वो जो चीज़ें अपने माइंड को टच कर रही है, वो जो अवस्था है उनकी गरीबी अमीरी, हाँ ये सब चीज़ें अपना माइंड को टच कर रही है, यानी कि वो माइंड को नॉर्म हो जाएगी। और जैसे रिचनेस पुअरनेस सब चीज़ें किस में चल जाएंगी, नॉर्म में चल जाएंगी। और देख लेते हैं प्रोसेस, प्रोसेस भी क्या होते हैं, नाम होते हैं, नहीं होते। एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी का सिलेक्शन, अब किसी के सिलेक्शन को टच नहीं कर सकते लेकिन अपन माइंड में तो देख सकते हैं कि हाँ इसका सिलेक्शन हो गया, तो माइंड में देख पा रहे हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते हाँ, लेकिन मैनेजमेंट को देख तो सकते हैं ना माइंड में कि हाँ मैनेजमेंट चल रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, प्रोसेस टू प्रोसेस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है मैनेजमेंट। तो सब किस में चल जाएगी, नाम भी चल जाएगी, मैनेजमेंट भी, जा रहे हैं ना सारी चीज़ें ऐसे। तो प्रोसेस में क्या चलते देख लेंगे अपन इसमें, जैसे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये प्रोसेस में कोई सा भी प्रोसेस ले लो आप, स्टेट में कोई सी भी स्टेट ले लो, अवस्था है कोई सी अवस्था ले लो, मेंटल एक्टिविटीज में मानसिक अवस्था है कौन सी भी अवस्था ले लो, सब चीज़ें क्या है, नाउन हो जाएगी। अब लास्ट देख लेते हैं क्वालिटीज। अब क्वालिटीज क्या है, ये भी नाउन होती है, नहीं होती, होती है। जैसे आप अगर स्मार्ट हो तो आपकी स्मार्टनेस क्या है, नाउन है। आप अगर सुंदर हो तो आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो ब्यूटी है वो क्या है, एक नाउन है। आप अगर ईमानदार हो तो आपकी होनेस्टी क्या है, एक नाउन है। तो सब चीज़ें क्या है, नाउन होती है। किसी की कोई सी भी क्वालिटी ले लो, किसी का गुस्सा है, कोई प्यार है, कोई ईमानदार है, कोई हार्ड वर्किंग है, तो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला ब्यूटी, किसी की ब्यूटी नाउन है, किसी की होनेस्टी नाउन है, तो कोई सी भी क्वालिटीज सब नाउन है, कोई सा भी प्रोसेस, कोई सी भी प्रक्रिया सब नाउन है, कोई सी भी स्टेट, कोई सी व्यवस्था सब नाउन है, कोई सी भी मेंटल एक्टिविटीज, कोई सी भी मानसिक जो चीज़ें हैं, सब चीज़ें क्या नाउन हो जाएगी। ये तो नॉन फिजिकल चीज़ें नाउन हो गई, सब बताए गए फिजिकल, जिस किसी भी चीज़ को अपना हाथ टच कर पाए वो चीज़ क्या है, फिजिकल अकॉर्डिंग नाउन है। नॉन फिजिकल बॉडी जिसको अपना माइंड टच कर पाए वो नाउन है। बॉडी किसके को टच कर पाती है, सिर्फ प्लेस को टच कर सकती है, पर्सन को टच कर सकती है, एनिमल को टच कर सकती है, रजिस्टर को टच कर सकती है, पेड़ को टच कर सकती है, सब चीज़ें जिसको अपना हाथ टच कर पाए ना वो चीज़ें फिजिकल के अकॉर्डिंग नाउन है। और ये सब चीज़ें भी क्या है, नाउन है। तो अपनी डेफिनेशन देख ले, जिसको अपना अपनी आँखें देख पाए वो सब चीज़ें नाउन। अब मैंने अभी बोला जैसे कि अभी सर आपने बोला कि ये सब चीज़ें भी नाउन है, अभी इनको तो अपन देख नहीं पा रहे ना, लेकिन अपने माइंड में तो देख पा रहे हैं ना, माइंड में तो मैनेजमेंट को अपने माइंड में तो देख रहे हैं ना, हाँ मैनेजमेंट चल रहा है, किसी क्वालिटी के वो सुंदर है तो उसको देख तो पा रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें भी क्या है, नाउन है। कोई अमीर है गरीब उसको देख पा रहे हैं, ये भी नाउन है। कोई अगर कोई प्यार करता है, कोई इमोशन उसके इमोशंस को देख पा रहे, तो भी मतलब डेफिनेशन सिंपल सी इतनी है कि जिसको भी अपन देख पाते हैं ना वो सब चीज़ें नाउन है। और मैंने टाइप में सारा बता दिया आपको कि फिजिकल कोडिंग जिसको अपनी बॉडी टच करता है, नॉन फिजिकल कोडिंग जिसको अपना माइंड टच करता है, तो अपना डेफिनेशन हो गया, टाइप हो गया। ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अपन यूज़,
काम है इसका यूज है ना। अब जैसे आपने देख ली, टायर देख लिया, उसको यूज करना तो आना चाहिए, क्यों यूज करना नहीं है कैसे इसको यूज करेंगे ना? अब देखते हैं यूज, नाउन का यूज क्या होता है, देखो हिंदी की इंग्लिश की कहीं ना कहीं वहाँ पे नाउन होती ही होती है, पर किस रूप में होती है, मात्र दो रूप में होती है, दो रूप में होती है, एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, इन दो रूप में ही नाउन पाई जाती है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो नाउन हो सब्जेक्ट होगी या कोई अगर वो ऑब्जेक्ट होगी, इन दो रूप में नाउन पाई जाती है। नाउन कहाँ पर यूज होती है, या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगी या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगी, ठीक है, दो तरह से यूज होगा इसका नाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यही इतना यूज है इसमें। डेफिनेशन टाइप यूज कौर है, यूज कहाँ पर हुआ, सब्जेक्ट के रूप में हुआ या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं लिखा हुआ है सेंटेंस में, कोई अगर फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे लिखा हुआ है, कोई नाउन लिखी हुई है, अब आपको यही नहीं पता कि ये नाउन है या नहीं है, इसकी नाउन की पोजीशन है, वही अगर ऑप्शन दे रखा है और ब्लैंक स्पेस दे रखा है वहाँ पर कुछ भरना है आपको, आपको यहाँ पर नाउन आती है, यहाँ पर नाउन आई, वहाँ पर ऑप्शन चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन में आपको यही नहीं पता कि नाउन कौन सी इनमें से, तो आप कैसे पहचानोगे उसके, कैसे उसको भरोगे वहाँ, कैसे टिक लगाओगे, तो आपको पहचानना तो आना चाहिए ना कि नाउन कैसी होती है, कैसे इसको पहचानते हैं, तो देखेंगे आइडेंटिफिकेशन में नाउन को कैसे पहचानते हैं। मैं दो लाइन लिखता हूँ पहले, इसको ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ पे योर पेन, ध्यान से देखना योर बुक, ये दो लाइन लिखी मैंने, इसकी हिंदी लिख लेते हैं क्योंकि ये अपन को काम आएगी, तुम्हारा पेन, तुम्हारा, तुम्हारी किताब या तुम्हारा रजिस्टर, ठीक है, ये दोनों लाइन याद रखो, क्यों, अब क्या करते हैं, किसी का पता करना है नाउन है या नहीं है, तो उसके पहले जस्ट बड़े से वर्ड लगा दो, ये वर्ड, ये वर्ड लगा दो, किसी भी नाउन का, किसी भी वर्ड का पता करना है नाउन है या नहीं, उसके जस्ट पहले ये वर्ड लगा दो, अगर बोलने में सही लगा आपको ये वर्ड लगाने के बाद, अगर योर लगाने के बाद आपको बोलने में सही लगा है वो चीज़, जो पूरी लाइन बोलोगे आप, जैसे पेन का पता करना आपको, पहले मैंने योर लगाया, इसको क्या बोलेंगे, योर पेन, यानी कि तुम्हारा पेन, क्या बोलेंगे, योर का पता, पेन का पता करना है, पेन नाउन है या नहीं, इसके पहले योर लगा लिया, लगा दिया, क्या हुआ इसका मतलब, योर पेन का मतलब तुम्हारा पेन, ये जो लाइन बनी पूरी तुम्हारा पेन, अगर ये बोलने में आपको सही लगा, अगर ये बोलने में आपको सही लगा, तो ये जो पेन है ना, ये जो पेन है ये नाउन है, सिमिलरली क्या लगा, तो योर लगा दी, अब योर मुख्य तुम्हारी किताब, अगर ये चीज़ अगर बोलने में सही लगी, तुम्हारी किताब, अगर ये तुम्हारी किताब बोलने में आपको सही लगा है, बोलने में सही लगा है, तो ये जो किताब है ये नाउन है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप देखो किसी भी चीज़ को निकालो, जैसे ब्यूटी निकाल लेते हैं, बी ए यू टी वाई, अब ब्यूटी का निकालना ये नाउन है या नहीं, ये नाउन है या नहीं, क्या क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले योगर लगाना, योगर लगा दिया, योगर लगाने के बाद अगर आपको ये बोलने में सही लगा, यानी योर ब्यूटी यानी तुम्हारी ब्यूटी, बोलने में सही, बोलते हैं ना अपन तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी ब्यूटी बोलते हैं, अगर बोलने में सही लगा तो ये जो ब्यूटी है नाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का पता करना है नाउन है या नहीं, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, अब आपको पता करना है नाउन है या नहीं ऑनेस्टी, रिदम बना दो, एक रिदम बनाओ आप, एक क्या बनानी है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारी होनेस्टी, क्या बोलेंगे, तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारी होनेस्टी, अगर ये लाइन जो बोलने में सही लगी है, तो जो आपने जो भी चीज़ को पता करना है, जो होनेस्टी पता करनी थी, अगर बोलने में सही लगा तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारी होनेस्टी, तो ये जो चीज़ है ये नाउन है, इतनी ही नाउन है बस। अब यहाँ पे चार होनेस्टी रिदम मैनेजमेंट लिख लो, मैनेजमेंट का पता करना है, क्या मैनेजमेंट का पता करना है, तो बोल दो जो रिदम बताई मैंने, क्या बताई, तुम्हारा पेन, तुम्हारा, तुम्हारी किताब, तुम्हारा मैनेजमेंट, बोलते भी है ना, तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारा मैनेजमेंट, बोलने में सही लगा, बोलने में सही लगा तो ये चीज़ क्या है, मैनेजमेंट नाउन है, ठीक है। ब्रेवरी का पता करना है, ब्रेवरी नाउन है या नहीं, ब्रेवरी यानी बहादुरी, तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारी ब्रेवरी, बोलने में सही लगा तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, ब्रेवरी भी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, सिंपल से इतने ही ट्रिक है, इतने ही नाउन है बस,
पहचान आना चाहिए, यूज आना चाहिए, टाइप पता होनी चाहिए और उसकी डेफिनेशन बताओ, इतना ही ना हो, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता नाउन की डेफिनेशन बताओ, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वहाँ पे पता होना चाहिए यहाँ पे नाउन आती है और ऑप्शन पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ नाउन है। अगर करेक्ट निकालना है कि सही गलत है या नहीं सेंटेंस, वहाँ पे अगर पता होना चाहिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट का स्थान है, यहाँ पे नाउन आती है, वहाँ पे अगर किसी ने एडजेक्टिव डाल रखा होगा तो गलत है, कि आपको पता है सब्जेक्ट की जगह नाउन की जगह है वहाँ पे, और नाउन ये चीज होती है, यही आनी चाहिए नाउन, तो यही चीज बस इतना ही आता है नाउन में। क्या क्या आता है? यूज आता है, टाइप आता है, आइडेंटिफिकेशन, मेन तो आइडेंटिफिकेशन है, आपको पहचान आना चाहिए कि ये चीज़ नाउन है। अगर आपको ये नहीं आएगा कि ये चीज़ नाउन है तो आप कैसे फील करोगे वहाँ पे कि यहाँ पे ये नाउन की जगह, तो नाउन आनी चाहिए, अभी एडजेक्टिव नहीं आ सकता, वर्ब नहीं आ सकता, कुछ और नहीं आ सकता, बस नाउन ही आएगा, तो वहाँ पे नाउन पता करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो बस इतना ही है नाउन आज का पहला वीडियो था अपना इंग्लिश के लिए प्रॉपर बोर्ड पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ में जो आपके दोस्त हैं उनको, क्योंकि अगर उनकी इंग्लिश सीखना चाहते हैं एकदम जीरो से तो ये चैनल को काफ़ी हेल्प करें, और मैं उनको अच्छे से बताऊंगा जैसे आपको बताया मैंने तुम्हारा पेन तुम्हारी किताब करके नाउन अच्छे से बताया, सिंपल से इतनी ट्रिक करती है, किसी का भी पता करना हो कोई चीज़ नाउन है, तुम्हारी एक रिदम पकड़ो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारा रजिस्टर नाउन, किसी देश है होनेस्टी का पता करना, तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारी होनेस्टी, ब्रेवरी का तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारी, अगर बोलने में ये रिदम सही लगती है ना, अगर बोलने में ये रिदम आपको सही लगती है तो ये चीज़ नाउन है, इतनी ही नाउन है। टाइप मैंने बता दिया, जो अगर जिसको अपना हाथ टच कर पाए, अपना हाथ जिस चीज़ को टच कर पाए तो फिजिकल के अकॉर्डिंग नाउन हो जाएगा, जिसको अपना माइंड टच कर पाए तो नॉन फिजिकल के अकॉर्डिंग नाउन हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन जिसको अपन देख पाए, सिंपल से जिस चीज़ को भी अपन देख पाते हैं वो सब चीज़ें नाउन है। यूज़ का आपका तो या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा नाउन का, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा नाउन का, दो ही यूज़ है, ठीक है। तो इतना ही बस नाउन, आगे इसका आगे अपन देखते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की भी एकदम शानदार ट्रिक, एकदम मस्त वाली, उसमें भी आप एडजेक्टिव ऐसे पहचानोगे कि हाँ ये ट्रिक है, जैसे तुम्हारा तुम्हारी करके अपन ने नाउन देखा, वैसे ही एडजेक्टिव का एकदम मस्त ट्रिक से अपन एडजेक्टिव पढ़ेंगे, अगला वीडियो एडजेक्टिव का ही लेंगे। आप अगर चाहोगे तो इसकी एक एक्सरसाइज कर लेंगे अपन नाउन की, उसके बाद एडजेक्टिव ले लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में मैं करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे, डेली के सुबह 4 बजे करंट अफेयर डालता हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप मैथ पढ़ लेते हो, रीजनिंग पढ़ लेते हो, साइंस पढ़ लेते हो, सब कुछ पढ़ लेते हो, बस आप करंट अफेयर छोड़ जाते हो और वहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो बाकी जो वीडियो उनको भी चेक करो अच्छे से, बाकी इंग्लिश प्रॉपर चल रही है आज से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।